नमस्कार, मैं ऋषिका मिश्रा और स्वागत है आपका राजपुर टीवी में। शुरुआत करते हैं यूपी की खबरों की। हमीरपुर जिले में सपा प्रत्याशी का डांस करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, वहीं दूसरे वीडियो में वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहने नजर आ रही है और ये वीडियो सोशल मीडिया में सैकड़ों बार देखा जा चुका है और बहुत तेजी से शेयर किया जा रहा है। लोग प्रत्याशी को तरह तरह से ट्रोल भी कर रहे हैं। चंद्रावती वर्मा को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सपा से अपना उम्मीदवार बनाकर राठ विधानसभा में उतारा है। वहीं लोधी महासभा के राष्ट्रीय महासचिव महेंद्र राजपूत का कहना है कि लोधी समाज की बेटी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। राजपूत चंद्रावती वर्मा एक राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, छोटे कपड़ों को लेकर ट्रोल किया जा रहा है जिससे उनकी छोटी सोच प्रकट हो रही है। खिलाड़ी की पोशाक भी अलग होती है। खिलाड़ी मैदान में साड़ी पहनकर तो नहीं खेलेगा। देख, मैं भी देख रहा हूँ कि कुछ दिन से, कल से ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और ये देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कपड़ों से भी छोटी मानसिकता झलक रही है। आपने देखा होगा कि इनकी पार्टी में हेमा मालिनी, स्मृति ईरानी जी, इन लोगों को देख लीजिए, इनका प्रोफेशन था वो, और बहुत इससे भी छोटे कपड़ों में आप देख सकते हैं कि वो रही होंगी। आज उनको सम्मान मिल रहा है, इन लोगों ने भी उनको पार्टी ने टिकट दिए हैं। और सबसे बड़ी बात एक देखिए कि आपने देखा होगा, कंगना रनौत कोई नया नाम नहीं है। कंगना रनौत को शायद पूरा विश्व जानता होगा, उनको आपने पद्मश्री से सम्मानित किया है, आपने सुरक्षा भी प्रदान की है। और अगर एक दलित की बेटी और आज वो राजपूत समाज की बहू बन गई है, उसको आप इतना घबरा गए, अगर वो चुनाव मैदान में आई है और चुनाव लड़ रही है तो आप उसको उसके मीम्स बना के ट्रोल करा रहे हैं। ये समाज में संदेश अच्छा नहीं जा रहा। और जहां भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हम महिलाओं का सम्मान करेंगे, महिलाओं के सम्मान के मैदान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में, और नारी शक्ति सम्मान की बात करते हैं, इस तरह के मीम्स बना के मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा है और इसका संदेश। सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। हाल ये है कि टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व सपा विधायक रामचंद्र चौधरी ने बगावत शुरू कर दी है। सपा प्रत्याशी के विरोध में रामचंद्र चौधरी ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुलायम सिंह ग्रुप के लोगों के टिकट काट दिए जा रहे हैं। दरअसल जिले की कादीपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी ने हाल ही में बसपा छोड़कर आए भगेलू राम को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इसी बात से पूर्व विधायक रामचंद्र चौधरी खासा नाराज हैं। आए थे प्रमाण पत्र लेने के लिए नामांकन का, हाँ घोषित कर दिया, अभी आज तक लिए मौका दिए हैं और उसके बाद नहीं मानेंगे तो कुछ अब सोचा जाएगा और ऐसे लोगों को शिकस्त देने जरूरी है। गाजियाबाद के कवि नगर रामलीला ग्राउंड में बसपा सुप्रीमो मायावती पहुंची, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए गाजियाबाद विधानसभा में आने वाली पांचों विधानसभा सीटों समेत मेरठ मंडल में आने वाली सभी विधानसभा सीटों के लिए प्रचार प्रसार किया और अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। जालौन में विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसके बाद सभी दलों के प्रत्याशियों द्वारा अपने अपने चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन किया जा रहा है। इसी क्रम में सपा के उरई विधानसभा प्रत्याशी दयाशंकर वर्मा ने अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। स्टेशन रोड स्थित चुनाव कार्यालय पर सपा कार्यकर्ता एकजुट हुए, जहाँ सभी ने अपने प्रत्याशी को जिताने का संकल्प लिया। विधानसभा में बहुत कमी है, सबसे पहले विकास, ये झूठ बोल बोल के हमने ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं किया। हमारा जो 12 में जो विकास था, रोडों का था, शिक्षा का, हर चीज का, इतना बढ़िया जो है विकास हुआ कि आपको मालूम है कि 12 में माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इतना काम किया, हर आदमी खुश था, लैपटॉप बांटा, कन्या विद्या धन दिया, वो
क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबीउद्दीन है, मैं महासचिव हूँ समाजवादी पार्टी। एक्चुअली आज हम आपको बता दें, हमारे समाजवादी पार्टी के उरई विधानसभा के प्रत्याशी श्री दयाशंकर वर्मा जी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष आदरणीय नवाब सिंह यादव जी के द्वारा किया गया। बुलंदशहर के जहांगीराबाद में अनूप शहर बस स्टैंड के पास प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी का काफिला और अखिलेश के साथ साथ जयंत का चुनावी रथ आमने सामने हो गया, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सयाना में ट्रैक्टर पर बैठकर चुनाव प्रचार किया है, जहां प्रियंका गांधी ने वहां की जनता से चुनाव वोट मांगे हैं। यूपी के संभल जिले में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस ने चुनाव में बवाल करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिले के एसपी चक्रेश मिश्र ने 16 अपराधियों को जिला बदर करने का आदेश भी जारी कर दिए हैं। एसपी चक्रेश मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि संभल जनपद में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने के लिए पुलिस प्रशासन ने चुनाव में बवाल कर और शांति फैलाने वाले अपराधियों और उपद्रवियों पर शिकंजा कसे जाने का कार्य शुरू कर दिया है। संभल जनपद में विधानसभा चुनाव को बहुत ही शांतिपूर्वक कराने की हम लोगों की तैयारी है। इसमें अब तक करीब 35,000 लोगों को 107-16 में पाबंद कर दिया गया है। इसके साथ में हम लोगों को एक रेड कार्ड इशू करेंगे, जिसमें हर एक बूथ पर 10 रेड कार्ड इशू करते हुए कुल टोटल 18,000 से 20,000 के करीब रेड कार्ड इशू किए जाएंगे, जिन लोगों पर हम लोगों की विशेष निगाह चुनाव वाले दिन पर रहेगी। इसके अलावा अन्य प्रिवेंटिव जैसे अवैध शराब, अवैध शस्त्र और इन चीज़ों में भी कार्रवाई लगातार चल रही है। जो चुनाव आचार संहिता के वायलेशन के मामले आए हैं, उनमें भी हम लोगों के द्वारा अब तक लगभग 10 FIR पूरे जिले में पंजीकृत की गई हैं और इस पर लगातार निगाह बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। नेताओं की ओर से अब एक दूसरे के ऊपर जुबानी हमले भी तेज हो गई है। ताजा मामला काशी के कांग्रेस नेता अजय राय से जुड़ा हुआ है। अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अजय राय ने PM नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। उन्होंने लोगों को उकसाते हुए यहां तक कह दिया कि PM मोदी और योगी आदित्यनाथ को 7 मार्च को जमीन में गाड़ दें, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। जिसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय ने इस बयान पर BJP के कार्यकर्ता नाराज हैं। नमस्कार, मेरा नाम शशांक शेखर त्रिपाठी है। मैं अधिवक्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ का काशी क्षेत्र का संयोजक हूं। विषय ये है कि आज के 6 दिन पूर्व पिंडरा विधानसभा के रजवा तारा एक गांव है, जहां पे सेवा बस्ती है, उस सेवा बस्ती में कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं अजय राय जी, वो वहाँ गए थे। वहाँ पर उन्होंने लोगों को उकसाते हुए उनसे यह कहा कि जो नमक है, जो नमक सरकार द्वारा दिया गया है सेवा के लिए, और जो पिछले 1.5-2 सालों से फ्री राशन का सामान दिया जा रहा है, उसमें नमक में गंदगी है, कूड़ा है, उसमें सीसा है, और वह जनता को नुकसान पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा दिया जा रहा है, और उस नमक को जनता बोरिया में भर करके इकट्ठा करके रखे और 7 मार्च को जिस दिन बनारस में इलेक्शन है, उस दिन लोग प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को गड्ढा खन करके गाड़ दें और उसके साथ उस नमक को उस पर डाल दें। देखिए, ऐसा सुनिए जी कि उसमें जो बातें तथ्य जो चीज़ें आई हैं सामने, वो पूरी तरीके से निराधार हैं। वो जो बात कही गई है, जो सरकारी सस्ते गली की दुकान जिसमें ये सामान बेचे जा रहे हैं, जिसपे ये पूरी तरीके से जो अनाज फ्री वितरण कर रहे हैं, जिसमें तेल दे रहे हैं, वो बहुत ही ख़राब ग्रेड का तेल है। नमक दे रहे हैं, उसमें पत्थर मिला है, उसमें पूरा का पूरा शीशे के टुकड़े मिले हैं, उस संदर्भ में वो बयान दिया गया है। वो किसी के व्यक्ति के बारे में, किसी पद के बारे में नहीं बोला गया है। वो केवल इसलिए कि आप गलत सामान गरीब जनता को खिला रहे हैं, गरीब चीज़ें उनको आप मार रहे हैं, तो निश्चित तौर से जनता अपने वोट के माध्यम से इनको 7 तारीख को उत्तर प्रदेश की सत्ता से पदच्युत करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राजपुर TV, सबसे पहले भारत। अब आप अपने पसंदीदा चैनल राजपुर TV को देख सकते हैं पसंदीदा OTT प्लेटफॉर्म पर। डेली हंट, रॉक TV, MX प्लेयर, i2i, ईबाबा, वोडाफोन TV, जियो TV, जियो फाइबर बॉक्स, पेटीएम TV, IPTV गैलेक्सी, फास्ट अवे, IPTV और रॉक क्यू TV पर।